hello dear friends and students welcome to wow education dear all life is precious so is your job and career also a good start will always lead you to a good goal so keeping this in mind here i have brought you the mcq practice series based on ncrt books you may or may not aware that maximum questions are framed from ncrt class 6 to 12 books so i am wishing you all the best for your all upcoming examination दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस वीडियो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ हम्पी हम्पी एक बहुत ब्यूटिफुल सिटी थी आई होप कि मैं कभी साउथ इंडिया जा पाऊँ और हम्पी को देख पाऊँ इट हैड रॉयल बिल्डिंग्स विथ स्पलेंडेड आर्चिस आर्चिस क्या होते हैं देखिए ये तो कुछ एक पीसेस बच के रह गए हैं अदरवाइज ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है ये हम्पी का ये पूरा विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी और बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर यहाँ के जो इन काविंग है ये सब चीज़ें इसमें थी और जो रॉयल बिल्डिंग है रॉयल बिल्डिंग का मतलब जो पैलेसेस थे राजा के या फिर राजा के जो रिलेटिव्स थे या फिर प्रिंसेस के थे वो बड़े स्प्लेंडेड उसके आर्चेस आर्चेस का मतलब होता है इस प्रकार की जो शेप होती है डोम की शेप डोम्स एंड पिलर्ड हॉल्स थे विथ नीचेस फॉर होल्डिंग स्कल्पचर्स आप देख ही सकते हैं कि पूरे के पूरे जो बिल्डिंग है वो हर जगह पे उन पर स्कल्पचर्स ही हैं स्कल्पचर्स का मतलब कुछ ना कुछ उसमें उभार के इंस्क्राइब किया हुआ है हर जगह पे कलाकारी और कलाकृति बनी हुई है एंड इट हैड वेल प्लान और चार्स एंड प्लेजर गार्डन विथ स्कल्पचर मोटिव सच एज लोटस एंड कॉर्बल्स और इस हम्पी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स भी थे और गार्डन के अंदर बहुत अच्छे जो हैं कलाकारी जो पैटर्न होता है ना पैटर्न का जब रिपीटिशन होता है तो दैट इज़ नोन एज मोटिव तो ये लोटस करके एक uh, बिल्डिंग बनी हुई है इसको हम आगे से देख रहे हैं तो वी कैन नॉट मेक कि की इट इज लोटस जब हम इसको ऊपर से देखते हैं एरियल व्यू से देखते हैं तो ये बिल्डिंग बिल्कुल लोटस की शेप की दिखती है तो ये सारी जो बिल्डिंग है जो पैलेसेस के गार्डन थे उन गार्डन्स के बीच में बने हुए थे इन इट्स हेडेज फिफ्टीन से सिक्सटीन सेंचुरी जो थी इनकी विजयनगर एम्पायर की हम पी बसल विथ कमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ तो वहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती थी और इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम मर्चेंट चेतीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स थ्रोंग दिस मार्केट उन लोगों से ये पूरा विजयनगर एम्पायर गुलजार रहता था भरा हुआ रहता था वट इज़ हुडी इट इज़ अ नोट रिगार्डिंग अ डिपॉजिट मेड बाय अ पर्सन द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड इन अनदर प्लेस बाय प्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट जैसे आज के टाइम पे अगर हम एटीएम प्रोड्यूस करके कहीं पर भी किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया और सम टाइम इन सम कंट्रीज ऑल्सो इंटरनेशनल ए कार्ड होता है हमारे पास तो उससे हम फॉर फॉरन जो कंट्रीज होती है वहाँ से भी पैसे निकाल सकते हैं तो अभी हम लोग जो है इतने टेक्नोलॉजी के बावजूद अपने आप को मॉडर्न बोलते हैं और ए टी या फिर ए को अपने पास ऊन करके हम अपने आप को बहुत यू you नो know, प्राउड फील करते हैं बट आज से कितने साल पहले इंडिया के जो डिपॉजिटर्स थे उन लोगों ने एटीएम सिस्टम ऑलरेडी यूज़ कर दिया था एटीएम को वो लोग हुंडी बोलते थे तो हुंडी को जो है एक रिकॉर्ड होता था उस रिकॉर्ड में वो क्या करते थे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री से सपोज करो कोई ट्रेड करता था तो अपने साथ अगर पैसा कैरी करके जाएगा तो रस्ते में क्या होगा कोई डाकू चोर लेता है या फिर कुछ भी हादसा हो सकता है जिसमें उसके पैसे का लॉस हो जाता है तो पैसा कैरी नहीं करते थे इंस्टेंट क्या करते थे और पैसे की जगह वो एक डॉक्यूमेंट कैरी करते थे सपोज करो विदेश से कोई जो ट्रेडर है वो इंडिया के अंदर आया है ना तो विदेश से जो है पैसा नहीं लेके आया इनफैक्ट क्या किया उसने विदेश में किसी एक साहूकार को या फिर किसी एक महाजन के पास अपना पैसा जमा कर दिया और उस महाजन ने उसको वो डॉक्यूमेंट दे दिया तो वो डॉक्यूमेंट लेके इंडिया के अंदर आया और इंडिया के किसी महाजन से फिर उसने क्या किया उतना ही पैसा जितना पैसा उसने यूरोप में जमा किया था उतना ही पैसा वो उसने इंडिया के महाजन से ले लिया और उस पैसे से उसने इंडिया के अंदर ट्रेड किया और उस ट्रेड किए हुए सामान को लेके फिर अपनी कंट्री वापस चला गया तो जो ट्रेडर आया है उसका पैसों से कोई लेना देना नहीं होता है बट जो इंडिया में बैठा हुआ महाजन है और जो यूरोप में बैठा हुआ महाजन है उनका आपस में जो है कनेक्शन रहता है और वो दोनों आपस में पैसों का एक्सचेंज करते हैं तो इतना डेवलप सिस्टम मेडिवल इंडिया में शुरू हो गया था वट वॉज महानवमी प्लेटफॉर्म

हुआ करते थे हु हुफिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1565 और फाइनली बेचारा विजयनगर एम्पायर भी बिल्कुल मिट्टी में समा गया और इसको भी हार का सामना करना पड़ा डेक्कन सुल्तान थे जिसमें रूलर्स ऑफ गोलकुंडा बीजापुर अहमदनगर बरार एंड बिरदार तो इतने सारे रूलर्स ने इकट्ठे एक, एक टीम बनाई और इन सारे रूलर्स ने मिल विजयनगर जैसे सुंदर एम्पायर को हरा के केवल इधर पे ही नहीं छोड़ा उन्होंने इनफैक्ट उन्होंने पूरे विजयनगर एम्पायर को ही तहस नहस कर दिया आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू नो इन द अर्यट टाइम्स पीपल यूज़ टू नॉट ओनली डिफीट देअर यू नो ओपोनेट्स एंड दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड द ब्यूटिफुल एंड मैगनीफिशेंट बिल्डिंग्स विच कम इन देअ वे सोमनाथ टेम्पल को भी इतने ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और ये हम्पी जो एम्पायर है इसके ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स को भी इतनी ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया जो बिल्डिंग बन रखी है एक्चुअली उनको एज इट इज़ रहने दो है ना आप वेल्थ लूट लो लोगों को मार लो बट पता नहीं क्यों है ना जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनसे ये लोग दुश्मनी निकालते हैं विस सिटी इज़ नोन एज द गेट वे टू द वेस्ट वेस्ट का मतलब होता है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ को जो एरिया होता है उसको हम वेस्ट बोलते हैं तो सूरत जो है एक पोर्ट सिटी है और सूरत से बहुत सारे जो शिप्स आते भी थे और सूरत से बहुत सारे शिप्स विदेशों को जाते भी थे तो सूरत पोर्ट को इट वॉज नोन एज द गेट वे टू द वेस्ट हु रोड एन अकाउंट ऑफ द सूरत पोर्ट सूरत पोर्ट के बारे में किसने लिखा है किसकी बुक से हमको पता चलता है एक इंग्लिश क्रॉनिकलर थे उनका नाम ओविंगटन था इन 1689 उन्होंने जो है सूरत पोर्ट के बारे में क्या लिखा है कि हर दिन आप जो है सूरत पोर्ट पर हंड्रेड्स ऑफ शिप्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कुड बी फाउंड एंकर्ड एट द पोर्ट एंकर्ड का मतलब बधे हुए थे पोर्ट से बधे हुए आपको हर दिन सौ तकरीबन शिप्स आपको मिल जाते थे तो देखिए उस समय में मेडिवल टाइम में पोर्ट पे सौ शिप्स होना बहुत बड़ी बात थी तो किसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बिजी पोर्ट रहा होगा सूरत वाई वॉज द सूरत टेक्सटाइल फ़ेमस अभी भी सूरत का टेक्सटाइल फ़ेमस है पूरा गुजरात का टेक्सटाइल ऑल ओवर इंडिया तो फेमस है तो उस समय तो ओब्वियसली था ही तो क्या रीज़न था इट वॉज़ फेमस फॉर इट्स गोल्ड लेस बॉर्डर जो सूरत का टेक्सटाइल था जो कपड़ा था उसका जो बॉर्डर होता था वो बड़े सुंदर जो है गोल्ड के लेस से जो है डेकोरेटेड होता था जिसको हम जरी बोलते हैं जो अभी भी हम अपने कपड़ों में लगाते हैं साड़ियों में लगाते हैं और इस जरी वाले कपड़े का जो मार्केट था वेस्ट एशिया में अफ्रीका में और यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेस एट सूरत जब सूरत में इतना ज़्यादा ट्रेड होता था तो ओब्वियसली वहाँ पर कुछ बैंकर्स भी रहते होंगे जो लोन देते थे लोगों को तो वो कौन थे द कठियावाड़ सेठ और महाजन कठियावाड़ वहाँ पर एक जगह है तो वहाँ के जो सेठ थे और जो महाजन थे वो लोगों ने बैंकिंग हाउस खोल रखा था वेन डिड सूरत स्टार्ट डेक्लाइनिंग अब इतना सुंदर और चहल पहल भरा हुआ शहर सूरत इसकी भी जो है डाउनफॉल शुरू हो गई वो कैसे हुई इन द एंड ऑफ सेवनटीन सेंचुरी में सूरत स्टार्टड डेक्लाइनिंग विच वॉज द फर्स्ट पोर्ट टाउन ऑफ साउथ इंडिया इन सेवनटीन सेंचुरी सूरत साउथ इंडिया का पोर्शन नहीं है सूरत वेस्ट इंडिया बोला जाता है राजस्थान और गुजरात को हम वेस्ट इंडिया बोलते हैं अब साउथ इंडिया में कौन सा फर्स्ट पोर्ट टाउन था वो था मसूलीप्टनम जिसको हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं ये रिवर कृष्णा के बैंक्स में है आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ मसूलीप्टनम मसूलीपट्टनम में एक फोर्ट का निर्माण किया गया था एंड दैट वॉज मेड बाय द डच इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के आने से पहले डच फ्रेंच लोग आ चुके थे पॉर्चुगेज भी आ चुके थे तो इंग्लिश तो लास्ट में थे जो इंडिया के अंदर आए और वो ऐसे आए कि उन्होंने अपने आए हुए पहले सब जो है विदेशी ट्रेडर्स को भगा दिया हु रोट एन अकाउंट ऑफ मसूलीप्टनम के बारे में किसने लिखा इंग्लिश राइटर विलियम मैथवर्ल्ड अ फैक्टर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने 1620 में बीस में के बारे में एक बुक लिखी थी और उस बुक से हमको इस पोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता चलते हैं वेन डिड औरंगजेब एन गोलकुंडा गोलकुंडा महाराष्ट्र में है तो औरंगजेब ने जो है कब इसको नहीं गोलकुंडा इज नॉट इन महाराष्ट्र तो औरंगजेब ने जो है साउथ इंडिया की तरफ कब अपना जो है अभियान शुरू किया था डेट वॉज सिक्सटीन हंड्रेड एटी सिक्स एटी सेवन में उसने गोलकुंडा के ऊपर विजय प्राप्त की वट यू मीन बाय ब्लैक टाउन्स दीज और द टाउन्स मेंट फॉर इंडियन लेबरर्स ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी इन बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता अंग्रेज़ लोगों के इंडिया में आने के बाद उन लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टार्ट की और उन फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लेबरर्स की ज़रूरत थी यानी जो कामगार लोगों की ज़रूरत थी तो बहुत सारे गाँव के लोग जो है शहरों की तरफ रुक किए अब शहरों में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी इसलिए स्पेशल कुछ टाउन्स हैं जो अंग्रेजों ने डेवलप करके उन लोगों को रहने के लिए दिए कहने का मतलब वो केवल उन्हीं टाउनों में रह सकते थे तो जहाँ पर इंडियन लोग रहते थे दोज प्लेसेज वैज द ब्लैक टाउन्स वट इज फोर्थ सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्थ सेंट विलियम्स इन कलकत्ता ये जो दो फोर्ट है ये क्या फोर्ट है एक्चुअली दीज वर द टाउन में रेसिडेंस ऑफ द व्हाइट पीपल जिस प्रकार से इंडियन लोगों को वट इज फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास एंड फोर्ट सेंट विलियम्स इन कलकत्ता दीज वर द टाउन्स मेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ वाइट पीपल जिस प्रकार से इंडियन लेबर्स के रहने के लिए अलग सी जगह बनाई थी ब्लैक टाउन्स सिमिलरली जो ट्रेडर्स थे वाइट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे जो अपने आप को गोरा बोलते थे गोरा बोलते ही नहीं थे इनफैक्ट देवॉफेयर इन कंपैरिजन टू द इंडियन पीपल तो उन लोगों ने अपने रहने के लिए जो एरिया बनाया था वो फोर्ट था मद्रास में उसका नाम सेंट जॉर्ज फोर्ट है और कलकत्ता में अभी जाएंगे तो अभी भी आपको मिल मिल जाता है दैट इज़ फोर्ट सेंट विलियम्स तो ये जो जगह थे ये वाइट पीपल के रहने के लिए और उनकी फैमिलीज़ के रहने के लिए टाउन्स थे वर द टू ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स ऑफ स्पाइस इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग सिक्सटीन सेवनटीन एडी साउथ इंडिया आपको पता होना चाहिए वैसे भी स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो वहाँ के दो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स थे जो साउथ में स्पाइसेस के वो थे एक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा When did डिड द पोर्चुगीज Vasco वास्को Gama reached कालिकत कालिकत कब पहुंचा था वो वो पहुंचा था फोर्टीन हंड्रेड एट में बहुत पहले ऑलमोस्ट फोर्टीन हंड्रेड सेंचुरी खत्म हो चुकी थी है ना तब पहुंचा नेक्स्ट लेसन है ट्राइब्स नोमेट्स एंड सेटल कम्युनिटीज। इसमें हम ट्राइब्स इंडियन ट्राइबल्स के बारे में इंडियन नोमेट्स के बारे में और इंडियन सेटल कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे वट इज मेन्ट बाई द टर्म टाइब से आप क्या समझते हैं मैनी सोसाइटी इन द इंडियन सब कॉन्टीनेंट डिड नॉट फॉलो दोशल रूल एंड बाई द लेड बाई द ब्राह्मण इंडियन सोसाइटी आपको पता है जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्री इन चार डिवीजन में बटी हुई है तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जो ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया ये जो कास्ट डिविजन है ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन लोगों ने से उन लोगों ने अपने आप को इस समाज से इस ब्राह्मण सोसाइटी से या हिंदू सोसाइटी से से अपने आप को दूर रखा और अपने आप जाके वो लोग फॉरेस्ट के अंदर बस गए और वहां पर उनका कोई अपर कास्ट नहीं था कोई लोअर कास्ट नहीं था सबके सब एक समान थे तो ऐसे लोगों को ट्राइब्स बोला गया और इन्होंने अपने रिचुअल्स भी अलग बनाए अपने जो इनके परफॉर्मेंसेस होते हैं धर्म तो इनका चलो जो भी रहा होगा है ना बट इन्होंने सब कुछ अपना जो है अलग सी एक दुनिया बसाई नेम सम ट्राइब्स ऑफ पंजाब पंजाब के ट्राइब्स जो इम्पोर्टेंट थे मेडिवल पीरियड में वो थे खोखर एंड गखार देखिए इसमें डबल डबल आ रहा है तो जितने भी खोखर कखा 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 टाइप के वर्ड आते हैं तो आप समझ लीजिए वो पंजाब के ट्राइब्स हैं हु वॉज कमाल खान गखार ही वॉज द मनसब दार ड्यूरिंग अकबरस रेन एंड वॉज द हेड ऑफ़ गक्खार ट्राइब वो पंजाब के गक्खार ट्राइब का हेड था और इतना बहादुर था कि उसको अकबर ने अपने रेन में अपने शासनकाल में उसको एक सूबे का मनसबदार भी बना रखा था नेम सब ट्राइब्स ऑफ मुल्तान एंड सिंध मुल्तान और सिंध दोनों पाकिस्तान में हैं अब अर् द पार्ट ऑफ आर कंट्री तो वहाँ के जो ट्राइब्स थे वो थे लांगास एंड अरघुनस नेम सब ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का मतलब है देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वो हिस्सा जो हमसे अब अलग हो चुका है तो बलोचीज़ जो थे वो नॉर्थ वेस्ट के ट्राइब थे हुर गद्दीज गद्दीज बहुत फेमस ट्राइब है आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा अपने कंपटीशन की तैयारी करते हुए तो वो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और वर द शेफर्ड ट्राइब ऑफ वेस्टर्न हिमालय वो लोग भेड़ बकरी वगैरह पालते हैं नेम सम ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारे ट्राइब्स मिलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं वहाँ के नागाज अहोम्स हु और चेरोस चेरोज भी ट्राइब्स हैं बट ये कहाँ के हैं ये प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड एरिया के ट्राइब्स थे मेडिवल पीरियड में अभी भी मिलते हैं ये हु डिफीटेड द चेरो ट्राइब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनको डिफीट करने के लिए अकबर के जनरल राजा मानसिंह को खुद आना पड़ा और उनको डिफीट किया गया संथल्स फाउंड मुंदाज और संथाल इंडिया की बहुत फेमस ट्राइब है वो उड़ीसा और बंगाल में पाई जाती है वट इज अ क्लैन क्लैन क्या होता है क्लैन का मतलब कुल होता है अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लिनिंग डिसेंट फ्राम अ कॉमन एंसेस्टर जब एक ही परिवार के या फिर एक ही कुल या एक ही खानदान के लोग जो हैं आगे बढ़ते जाते हैं मतलब जो है पिता के बाद पुत्र पुत्र के बाद फिर पुत्र तो उसको हम क्लैन बोलते हैं विच ट्राइब लिव इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र की जो ट्राइब थी वो कोलीज़ थी और बैराट्स थे कोरा, 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 कोरागास वेटार्स मारावास वर द ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया के थे साउथ इंडिया के सारे नेम्स बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं बोलने में भी प्रोनंसिएशन में भी भील्स वर द ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश आप समझ लीजिए वहाँ के जो ट्राइब्स हैं वो भील हैं गोंड्स गोंड्स कहाँ पाए जाते हैं ये प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से पूरे एरिया में ये लोग गोंड फैले हुए थे वर द बंजाराज हम लोग को लगता है बंजारा राजस्थान में होते हैं तो वो अभी भी राजस्थान में पाए जाते हैं और दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमेट्स पर वो ऐसे ट्रेडर्स थे ऐसे नोमेट्स थे नोमेट्स का मतलब होता है द पर्सन हु कीप्स ऑन मूविंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ना बंजारे उसी टाइप के तो बट ये ट्रेडर्स थे अभी भी मेलों में देखते होंगे जहाँ जहाँ पर भी, भी मेले लगते हैं इन लोगों की फैमिलीज आकर बैठ जाती हैं मेले से तीन चार दिन पहले और मेले के तीन चार दिन बाद तक भी जो वहीं पर अपना जमावड़ा बना के रखते हैं तो ये लोग चूड़िया गुब्बारे खिलौने ये सब चीज़ें बेच के अपना रोजी रोटी कमाते हैं वट इज़ टांडा टांडा क्या है अ टांडा इज़ अ कारवा ऑफ द बंजारा बंजाराओं का जो कारवा चलता है जब वो चलते हैं तो एक या दो फैमिलीज नहीं चलते वो पचास सौ फैमिलीज एक साथ चलते हैं तो उनके कारवा को उनके ग्रुप को टांडा बोला जाता है हु यूज बंजारा कारवास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स और मेडिवल टाइम में जो बंजाराज के जो कारवा थे उनका यूज़ होता था ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अब जो शहरों में तो ग्रेन्स नहीं पाया जाता ग्रेन्स का मतलब अनाज तो ग्रेन लाने के लिए गांव में जाना पड़ेगा गांव से शहर तक जो है ग्रेन लाने का जो काम होता था वो बंजारा ट्रेडर्स का होता था उनके पास बहुत सारे हॉर्से हॉर्सेज कैमल्स ये सब चीज़ें होती थे तो उनके ऊपर लाद के वो लोग ग्रेन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करते थे जैसे आज के टाइम पर यह काम ट्रक्स के द्वारा किया जाता है तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इनका यूज किया था एज अ ट्रांसपोर्ट हु रोड द अकाउंट ऑफ बंजारा बंजाराज की लाइफ के बारे में किसने लिखा था एन इंग्लिश ट्रेडर पीटर मुंडी नाम था उनका सेवनटीन सी में उन्होंने बंजारा की लाइफ के बारे में अपनी बुक में लिखा है वट इज गोंडवाना गोंडवाना क्या है इट इज़ अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन वेर गोंड ट्राइब्स लीव गोंड ट्राइब आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश और कुछ हिस्से महाराष्ट्र में उसके बाद जो है झारखंड में भी पाए जाते हैं तो एज यू कैन सी जितना जो रेड पोर्शन है ये गोंडवाना एम्पायर था गोंडवाना जो ट्राइब्स थे वो इतने स्ट्रांग हो गए थे कि उन्होंने अपना इस हिस्से में अपना खुद का जो है एक टेरिटरी बना ली थी अपना राज्य स्थापित कर लिया था उन्होंने वट वॉज चौरासी इन गौन्ड ट्राइब गौन ट्राइब में चौरासी का क्या मतलब था इट वॉज़ अ ग्रुप ऑफ एटी फोर विलेजेस जो गौंड डाइनेसटी है गौंड रीजन है उन्होंने अपने आप को बहुत सारे आ, चौरा एरियाज़ uh, में डिवाइड कर रखा था उन एरियाज़ को वो लोग चौरासी बोलते थे तो चौरासी का मतलब एट्टी फोर ही होता है ओबियसली तो अ ग्रुप ऑफ एटी फोर विलेजेस हो जाते थे तो उसको चौरासी बोला जाता था वट इज़ बरहोट इन गोंड ट्राइब अब बरहोट क्या होता था इट वॉज द सब डिवीजन ऑफ चौरासी एंड ग्रुप ऑफ़ ट्वेल्व विलेजेस अब जो है एक uh, गोंडवाना के अंदर बहुत सारे चौरासी थे ऐसे ही चौरासी के अंदर बहुत सारे बरहोट थे बरहोट का मतलब देखो बारह लिखा हुआ है ना बारहठ बोल सकते हो आप इसको ट्वेल्व बारह विलेजेस का जो ग्रुप होता है उसको बारहुड बोला जाता है हु वॉज संग्राम शाह ही वॉज द गोंड चीफ नेम्ड अमनदास दास द टाइटल ऑफ संग्राम शाह वो गोंड डायनेस्टी का चीफ था उनका रियल नाम तो अमनदास था बट उन्होंने अपने नाम के आगे संग्राम शाह टाइटल लगा लिया था हु वॉज़ दुर्गावती शी वॉज द डॉटर ऑफ चंदेल राजा ऑफ महोबा एंड द वाइफ ऑफ दलपत राय सन ऑफ गोंडवाना चीफ राजा संग्राम शाह संग्राम शाह की वो डॉटर इन लॉ थी वेन डिट रानी दुर्गावती एंड मुगल फोर्सेज क्लैश रानी दुर्गावती के जो हजबेंड है वो शादी के कुछ समय बाद ही वो आ, उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद रानी दुर्गावती जो है खुद पूरा राजपाट अकेले संभाल रही थी तो जैसे ही मुगल एम्पायर को पता चला कि रानी दुर्गावती के हजबेंड नहीं रहे तो दे केम टू अटैक ऑन द गोंडवाना डायनेस्टी और उस बार जो है रानी दुर्गावती और मुगल फोर्सेस में बहुत भीषण टक्कर हुई थी एंड दैट वाज इन 1565 जिसमें रानी दुर्गावती शहादत को प्राप्त हुई यानी वीरगति को प्राप्त हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोम्स अहोम कौन है दे वर द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन थर्टीन सीई इस नॉर्थ वेस्ट इस नॉर्थ ईस्ट है एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं और ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के भी नहीं थे ये इंडिया के नहीं थे ये म्यांमार से माइग्रेट होके इंडिया के अंदर आए थे थर्टीन सेंचुरी में हु मेड हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स कौन बनाते थे अहोम किंगडम के जो लोग थे वो लोगों को गन पाउडर और कैनन्स बनाने की जानकारी थी वन डिट मुगल्स अटैक वन डिट मुगल अटैक द अहोम किंगडम मुगल लोगों को कहीं पर भी चैन नहीं है पहले उन्होंने गोंडवाना टेरिटरी के ऊपर अटैक किया नाउ दे हैव कम टू अटैक ऑन द अहोम किंगडम इन 1662 हंड्रेडी अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जुमला द अहोम डिफीटेड हु वर पाइक्स इन अहोम स्टेट कौन थे पाइक्स दे वर द फोर्स लेबर वट वॉज द रिलीजन ऑफ अहोम अहोम म्यांमार से इंडिया के अंदर आए थे तो उनका रिलीजन पहले जो कुछ भी रहा हो बट लेटर ऑन दे कन्टेडीज इन अहोम बुरानजीज क्या था वॉज द हिस्टोरिकल वर्क रिटर्न इन अहोमी एंड असमीज जो बुक्स लिखी जाती थी उनको वो लोग बुरानजीज बोलते थे वेर कैन यू फाइंड अर्लियस्ट विहारास विहारस आपको कहा मिलते हैं केव्स इन कार्ले महाराष्ट्र महाराष्ट्र में जो है हमको विहाराज मिलते हैं विहाराज क्या होते हैं जो जो बुद्धिस्ट मॉन्ग के रहने की जो प्लेस होती है उसको विहार बोला जाता है नेक्स्ट लेसन नंबर एट डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन क्वेश्चन नंबर वन न्यानार्स एमर्स इन विच सेंचुरी न्यानार्स दे एमर्ज इन सेवन टू एट सेंचुरी हुआ कौन थे न्यानार्स दे वर देंट डिवोडेड टू द लॉर्ड शिवा जैसे हिंदू धर्म है जैसे पहले हमने इस्लाम के बारे में बात किया था इस्लाम वॉज ऑल्सो कन्वर्टेड सॉरी इस्लाम वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टू ब्रांचेस वन वॉज सुई शिया एंड वन वॉज सुन्नी सिमिलरली हिंदू में हिंदुइज में भी जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं कोई किसी देवता को फॉलो करता है कोई किसी देवी को फॉलो करता है कोई मूर्ति पूजा करता है कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है ना सो वेरियस कैटेगरीज एंड ब्रांचेज वी हैव इन हिंदू रिलीजन ऑल्सो तो सिमिलरली दिस न्यानार वॉज वन ऑफ द ग्रूप या वन

रिलेट कर सकते हो अलवर लॉर्ड विष्णु को आप अलवर से रिलेट करिए न्यानार्स एंड अलवर बिलोंग तो टू विच कास्ट कौन सी कास्ट के थे जो सेंट्स थे दे वर द अनटचेबल फ्रॉम पुलायार एंड पनार्स कम्युनिटी साउथ इंडिया की कम्युनिटी है या फिर मिडिल इंडिया की कम्युनिटी है तो ये बेचारे जो थे अनटचेबल्स थे सोसाइटी में इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता होगा तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और संत बन गए और इन लोगों ने जो छुआछूत है जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो ये बेसिक एजेंडा है उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया क्योंकि भक्ति को कोई रोक नहीं सकता है किसी भी भगवान को पूजा करने से वर्शिप करने से ब्राह्मण किसी को नहीं रोक सकते हैं राइट द फीचर्स ऑफ अलवर्स एंड न्यानार्स दोनों के क्या फीचर्स हैं वर द शार्प क्रिटिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन उन लोगों को बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन के एकदम कठोर या कठोर आलोचक थे दे ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोम फाउंड इन द संगम लिटरेचर दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग पोएम्स और सेंड का काम यही होता है संत जो है चलता रहता है तो इसी प्रकार से दे ऑल्सो यूज टू मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू दर पार्ट और गाने के भगवान के अपने जो भी उनके आइडल्स थे जो भी उनके गॉड्स थे उनके गाने लिखते थे पोएम्स लिखते थे उनके गीत गा गा के वो लोगों को सुनाते रहते थे हाउ मैनी man न्यानार्स देयर कितने न्यानार्स थे सिक्सटी थ्री न्यानार्स थे फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड कोई पॉटर था कोई अनटचेबल वर्कर था कोई हंटर था कोई सोल्जर था कोई ब्राह्मण भी थे और कोई चीफ भी हुआ करते तो इतने जो है सिक्सटी थ्री न्यानार्स हुए टोटल मेन ग्रुप्स वर अपार संबंदर सुंदरार एंड मनिकवासकर तो ये जो थे मेन इनके ग्रुप थे मेन न्यानार्स के नेक्स्ट है नेम टू वर्क्स ऑफ न्याना न्याना लोगों ने कुछ रचनाएं भी लिखी थी और उनकी रचनाओं का नाम है तेवारामा एंड तिरुवक्कम कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग है ये हाउ मेनी वर देयर अब जो है सिक्सटी थ्री नानास थे तो अलवर्स कितने थे अलवर्स के ट्वेल्व ग्रुप थे मेन ग्रुप्स वर पेरी अलवार हिज डॉटर अंदाई टोंडारी डिपोडी अलवर एंड नमलवार दीज वर द ग्रुप्स ऑफ अलवर वट इज द कंपाइलेशन ऑफ अलवर नोन एज उसको बोलते हैं दिव्य प्रबंधम जैसे इनके कंपाइलेशन का नाम क्या था तेवाराम एंड तिरुवक्कम तो अलवर के कंपाइलेशन का नाम था दिव्य प्रबंधम वट इज़ हेग्योग्राफी हैग्योग्राफी क्या है? हैग्योग्राफी और रिलीजियस बायोग्राफी ऑफ द अलवर्स एंड न्यानार्स जैसे बायोग्राफी होती है तो जो सेंट्स की बायोग्राफी होती है उसको हैग्योग्राफी बोलते हैं शंकरा? ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुंशियल फिलासफर ऑफ इंडिया बॉर्न इन केरला एट सेंचुरी में बहुत पहले ही वॉज एडवोकेट ऑफ अद्वैता अब अद्वैता क्या है वॉट इज़ द टर्म अद्वैता मीन्स अद्वैता मीन्स वननेस ऑफ पर्सन एंड गॉड जब भगवान और जो है भक्त एक हो जाते हैं तो उस थीम को उस प्रोपोगेंडा को वी कॉल इट अद्वैता वट इज़ माया एज पर द अद्वैता फिलासफ़ी इसमें माया भी है माया इज एन इल्यूशन मतलब भ्रम हु वाज रामानुजा ही वाज बोर्न इन तमिलनाडु इन 11th सेंचुरी वो भी एक सेंट थे व्हाट वाज द फिलोसफी ऑफ द रामानुजा टू अटेन सल्वेशन अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है दिन दुनिया से बिल्कुल पार हो जाना है है ना तो उसके लिए क्या करना चाहिए एज़ पर रामानुजा साल्वेशन कैन बी अटेंड बाई डिवोशन टू विष्णु एंड गेटिंग यूनियन विथ हिम भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी साधना आराधना करके हमको मोक्ष मिल सकता है वट वॉज द डॉक्टराइन प्रीस्ड बाय हिम डॉक्टराइन ऑफ विशस विशिष्ट अद्वैता जो रामानुज ने जो डॉक्टराइन दिया था जो फिलॉसफी दी थी उसको बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैता हु इनिशियटेड वीर विरा शेवा मोमेंट बसवाना एंड अलम्मा प्रभु एंड अक्कम महादेवी दीज वर दर्सन हु हैव इनिशियटेड वीर शेवा मोमेंट वेर डिड वीर सेवा मोमेंट स्टार्ट कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी सेंचुरी के मिड में वट वर द मेन आइडियाज ऑफ वीर शेवा वीर शेवा के मेन आइडियाज क्या थे दे वर अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडियाज एंड कास्ट सिस्टम एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन दे ऑल्सो वर अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप तो जितने भी सेंट हुए हैं आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया है एक्चुअली वो सोसाइटी में जितने भी भेदभाव थे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन था जो बुरी कंडीशन थी और दुनिया भर के आडम्बर थे पाखंड थे अंधविश्वास थे आइडल वर्शिप थी कर्मकांड थे यज्ञ थे इन सब के खिलाफ थे उनका

ज्ञानेश्वर नामदेव एक नाथ तुकार साखूबाई चोखा मेला सम ऑफ देम बिलोंग टू अनटचेबल महार कास्ट महार कास्ट महाराष्ट्र की अनटचेबल कास्ट है तो ये सारे जो सेंट हैं ये महाराष्ट्र के थे वट इज विठला विठला इट इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु विष्णु भगवान का एक और अवतार है जिसको विठला बोला जाता है वट डिड तीस पॉइंट सेंट पॉइंट स्ट्रेस ऑन मैंने पहले बता दिया है सारे जो सेंट पॉइंट है उनका एक ही स्ट्रेस था कि रिचुअल वगैरह कम करो सोशल डिफरेंसेस को हटाओ और आइडिया ऑफ रिन एंड प्रीफर टू लिव विद यर फैमिली ऐसा नहीं है कि अगर आप सेंट बन गए हो तो आपने बिल्कुल घर बार छोड़ दिया है अपने बीबी बच्चे को सबको त्याग दिया है नहीं अपने परिवार के साथ रहते हुए भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर सकते हो और उसके साथ साथ आपके समाज में जो भी आपके साथ रह रहे हैं उनकी भी आपको सेवा करनी जरूरी है ऐसा नहीं कि आप जंगल चले जाओ सेंट बन जाओ है ना भगवान को ढूंढो भगवान को प्राप्त करो भगवान को आप जो है ग्रस्त जीवन में रहकर भी ढूंढ सकते हो और पा सकते हो वट योगीज एडवाइस इनका क्या एडवाइस था इन मेडिटेशन उनके अकॉर्डिंग अगर आपको सल्वेशन चाहिए संसार से मोक्ष चाहिए तो आपको मेडिटेशन का रास्ता अपनाना पड़ेगा योग करना पड़ेगा हुई योगा नटपंथी नटपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज़ इन लोगों ने बहुत सारे योगासनों के फॉर्म्स निकाले और जिससे उन्होंने लोगों को बताया कि आप ये ध्यान करो या ये योगासन करो जिससे आप परमात्मा को पा सकते हो वेर वर नटपंथीज पॉपुलर कौन से एरिया में थे ये लोग जो है नॉर्थ इंडिया में नट नॉर्थ एंड से नटपंथी एंड से नॉर्थ इंडिया में दीज सेंट्स वॉर वेरी पॉपुलर वर सूफीज अब नाम से पता चल रहा है नाव वी हैव हाँ कम ऑन टू द इस्लामिक यू नो रिलीजन uh, तो इस्लाम रिलीजन में सूफी कौन थे दे वर मुस्लिम मिस्टिक्स रहस्यवादी मुस्लिम जो है मिस्टिक्स थे दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसटी एंड इम्फेसिस्ट ऑन लव एंड डिवोशन टू वन गॉड इनका भी जो है पूरा फोकस वन गॉड पे था और इन्होंने बाहर के जितने भी आडम्बर हैं उनका इन्होंने खंडन किया बहिष्कार किया दे ऑल्सो रिजेक्टेड द रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर जैसे मैंने आपको बताया हर धर्म के कुछ, कुछ यू नो कोड ऑफ़ कंडक्ट है कि आप पूजा करने के लिए आपको कौन सी स्थिति में बैठना पड़ता है क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं तो सिमिलरली इस्लाम धर्म में भी बहुत सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं आपको कैसा बिहेव करना है वाइफ के साथ बच्चों के साथ बड़े लोगों के साथ तो इन सारे कोड ऑफ कंडक्ट को उन्होंने इनका भी वो कंडमनेशन किया बहिष्कार किया दे ऑल्सो कंपोज पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज तो जैसे हिंदू सेंट्स की बात कर रहे थे हम अभी उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर पोएम्स की रचना की तो सूफी लोगों ने भी बहुत अच्छी अच्छी जो है कंपोजिशंस किए और वो प्रोज में भी थे और पोइट्री में भी थे ये मुस्लिम सूफी लोगों का एग्जाम्पल है वट इज शरीयत इन इस्लाम इस्लाम में सरियत का मतलब है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द होली लॉ एंड द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम के जो विचारधाराएं हैं उसको ही शरीयत बोला जाता है नेमसम फेमस सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया सूफी इंडिया के नहीं थे वो सेंट्रल एशिया के थे गज़्ली रूमी एंड शादी ये जो कुछ फेमस सूफीज़ हैं नेमसम टर्म्स यूज बाई सूफीज़ सूफी लोग अपने लैंग्वेज में कुछ टर्म्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे वो कौन कौन से थे सबसे पहले ज़िक्र जिक्र का मतलब होता है चैंटिंग अ नेम किसी के बारे में बोलना आप लोग हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं है ना तो उसमें आप लोगों के ये वर्ड बहुत खूबसूरत वर्ड है ये वर्ड आप लोगों ने पक्का सुना ही सुना होगा तो जिक्र का मतलब जब हम किसी का नाम याद करते हैं नेक्स्ट है समा समा का मतलब है सिंगिंग उसका मतलब रक्स एक गाना था मेरे रक्स से कमर है कि रस के कमर है ना तो रक्स का मतलब डांसिंग है पीर का मतलब मास्टर अपने आ, उस्ताद को या फिर अपने मास्टर को वो लोग पीर बोलते थे वट यू मीन बाय सिलसिला इस्लाम में सिलसिला का क्या मतलब है इट वॉज़ अ स्परिचुअल जीनियोलॉजी ऑफ सूफी टीचर फॉलोइंग अ डिफरेंट मैथड और इंस्ट्रक्शन सपोज करो कोई एक सूफी टीचर है जिसने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया है उसके फॉलोअर्स को उन ग्रुप को हम लोग सिलसिला बोलेंगे वेन डिड देंट्रल एशियन सूफी सेटल इन इंडिया तो इंडिया के अंदर सूफ़ी लोग फिर से कहाँ से आए सेंट्रल एशिया से आए और किसके समय में आए दली सल्तनत के टाइम पर आए एलवेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड्स के बाद दमिंग टू इंडिया नेम वन इंपॉर्टेंट सिलसिला ऑफ इंडिया सिलसिला का मतलब अभी मैंने आपको बताया था ये सूफियों का ग्रुप था जिसके अंदर पर्टिकुलर उसी सूफी को फॉलो करने वाले लोग इंक्लूडेड थे इंडिया के अंदर कौन सा सिलसिला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दैट वॉज चिश्ती सिलसिला आपने सुना ही होगा सलीम चिश्ती नाम सुना होगा नेम सम समूफीज ऑफ चिश्ती सिलसिला इसके इंपॉर्टेंट जो सूफ़ी थे सूफी का मतलब जैसे हम लोग संत बोल रहे हैं तो ये लोग उनको सूफ़ी बोलते हैं तो ख्वाजा ख्वाजा मोनुद्दीन मुए, चिश्ती हैं अजमेर में इनकी दरगाह है आप लोगों ने देखा होगा बीच बीच में बहुत सारे जो बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस हैं अपने पिक्चर के रिलीज से पहले वहाँ पर चादर चढ़ाने जाते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनकी जो मज़ार

उसके बाद जो है उनकी बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स या सभाएं चलती थी वट इज़ हॉस्पाइस हॉस्पाइस क्या है इट इज़ अ रेस्ट हाउस फॉर रिलीजियस ट्रेवलर जब ये ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो बीच बीच में रहने के लिए बहुत सारे रूलर्स ने या फिर जो रिच लोग हैं उन लोगों ने इनके लिए हॉस्पाइस रहने की जगह रेस्ट हाउसेस जैसे घर बना रखे थे वट इज़ अ दरगाह दरगाह इज़ अ प्लेस वेर द सूफी इज बरीड जहाँ पर सूफी की मृत्यु होने के बाद उसको गाड़ दिया जाता है दफना दिया जाता है तो उस प्लेस को वो लोग दरगाह बोलते हैं इस्लाम में पीपल विजिट इट्स सच प्लेसेज एज पिलग्रमेज और उनके इन दरगाहों पर ही लोग जो हैं यात्रा पे जाते हैं हु व चैतन्य देवा सेंचुरी भक्ति सेंट फ्रॉम बंगाल के थे ही प्री डिवोशन टू राधा कृष्णा राधा कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं के भक्ति में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची हैं हु रामचरित्र मानस बहुत फेमस बुक है और बहुत फेमस राइटर भी हैं उनके तुलसीदास ने लिखी थी अवधि लैंग्वेज में विच ऑल कंपोजिशन वर रिटर्न बाय सूरदास सूरदास जो है वो बाय पर्थ ब्लाइंड थे उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताओं की दोहों की रचना की है वो खुद लिख नहीं पाए बट उन्होंने जो जो गाए हैं उनको किसी और ने कंपाइल किया होगा तो उनके द्वारा लिखे गए कलेक्शन को सूर सागर बोलते हैं सूर सरावली बोलते हैं और साहित्य लहरिया शंकर देवा ही वॉज फिफ्टीन सेंचुरी सेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु के थे ही सेट ऑफ नमघार्स हाउसेस फॉर रेजिटेशन एंड प्रेयर्स कौन थे ये शंकर देवा देवाज मीरा बाई शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ मेवाड़ इन सिक्सटीन सेंचुरी एंड द डिसिपल ऑफ सेंट रविदास संत रविदास की वो डिसिपल मतलब होता है हिंदी में शिष्या शी वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कंपोज मेनी भजन शी चैलेंज द नॉम्स ऑफ द अपर कास्ट शी हर्सल्फ वॉज यू नो बिलोंग टू अपर कास्ट इसके बावजूद भी उन्होंने अपर कास्ट के जितने भी आडंबर हैं दिखावे हैं उनको उन्होंने अपोज किया और भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन भगवान कृष्ण के लिए लिखे हैं हु वॉज दास ही वॉज ब्रॉटअप इन अ मुस्लिम जुलाहा फैमिली नियर बनारस इन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सेंचुरी ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुन्शियल सेंट ऑफ हिस टाइम एंड कंपोस्ट वास कलेक्शन ऑफ साखीज़ एंड पद्स उनकी रचनाओं को साखी और पद बोला जाता है सुबह सुबह आप कभी भजन सुनते हैं तो बहुत जगह मंदिरों में भी कबीर दास के जो है भजन सुनने को मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने केवल दो दो तीन तीन लाइनों में कही हैं जिसको हम गागर में सागर भी बोल सकते हैं हु नानक देव ही वॉज बॉर्न एट तलवंडी जो पाकिस्तान में है और उन्होंने करतारपुर में एक सेंटर स्थापित किया था और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक किचन में खाते थे जिसको लंगर बोला जाता था तो इसका मतलब कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट का कोई भेदभाव नहीं था उनके लिए दिस सेक्रेट प्लेस क्रिएटेड बाय गुरु वाज नोन एज धर्मशाल और गुरुद्वारा और गुरु नानक द्वारा ये जो सेंटर बनाया गया था इसी को बाद में गुरुद्वारा की संज्ञा दी गई हु वॉज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक देव गुरु नानक देव के बाद जो दूसरे सिख गुरु हुए थे उनका नाम था गुरु अंगद देव उनका नाम लहना भी था हु कंपाइल्ड गुरु नानक गुरु नानक ने भी बहुत सारे टीचिंग्स बताए थे उनके द्वारा रची गई बहुत सारी रचनाएं हैं उनका जो कंपाइलेशन किया था वो गुरु अंगद ने किया था हु इन्वेंटेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट गुरुमुखी स्क्रिप्ट पंजाबी लिखने के लिए यूज होती है पंजाबी लिखने के लिए आपने देखा होगा हम क कुछ और स्टाइल से लिखते हैं वो क किसी और स्टाइल से लिखते हैं तो उसी को स्क्रिप्ट बोला जाता है दैट स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाई गुरु अंगद जी इन 1604 व्हाट इज़ गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब क्या है द कंपाइलेशन रिटन बाय गुरु अंगद एंड ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इज़ नाउ नोन एज़ गुरु ग्रंथ साहिब तो जो बुक गुरु अंगद जी ने लिखी थी गुरु नानक देव के कहे हुए सेंटेंसेस उनके कही हुई पोएम्स और उनके कंपाइलेशन के लिए उन सारी चीज़ों को उन सारी रचनाओं को एक बुक के अंदर इकट्ठा किया गया है और उसी बुक का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है वट इज़ हरमंदर साहिब क्या है ये इट इज़ गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम हरमंदर साहिब भी है इट वॉज द सेल्फ गवर्निंग प्लेस इन सेवनटीन अंडर सेन्चुरी तो सेवनटीन सेंचुरी में पूरे सिखों का ये एक जो है पॉलिटिकल प्लेस होता था जहाँ से वो अपना पूरा राजपाट भी चलाया करते थे हु ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ़ गुरु अर्जन सिंह एंड वाई गुरु अर्जन सिंह का जो है एग्जीक्यूशन उनको जो है फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर किसने दिया था वो दिया था जहांगीर ने बिकॉज ही सॉ द सिख एज थ्रेड टू हिज रूल क्योंकि उनको लग रहा था सिख लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो ये मुस्लिम रूलर शाहजहाँ ने उनको फांसी पर चढ़ाने का आदेश पारित किया वट इज़ खालसा खालसा इज़ एन इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन सिक्सटीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन द कम्युनिटी ऑफ द सिख इज़ कॉल्ड खालसा पंथ जो उसके मेम्बर होते हैं उनको खालसा पंथ बोला जाता है तो खालसा एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है ऐसा ग्रुप है जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने फाउंड किया था सिक्सटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन नाउ दिस इज द मैप ऑफ यू नो ऑल ऑफ इंडिया वेयर यू कैन सी ऑल देंट एंड सूफीज एंड विच प्लेस दे बिलोंग टू एंड व टाइम लाइन ऑफ them so very beneficial for you who want to study more further and more deeply about the life of the saints. you can see Guru Nanak he was born in India but now that part is in Pakistan. similarly Dadu he was also one saint 16th to 17th century. Uttar Pradesh ये उत्तर प्रदेश है उसके बाद उत्तर प्रदेश के बहुत सारे saints हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं शंकर देव बंगाल के हैं एकनाथ पुकार बसवाना रामदास ऑल दी सेंट्स दे बिलोंग टू द साउथ इंडियन सो यू कैन पॉज द वीडियो एनी टाइम एंड गोथ मोर यू नो डीपली इन टू दिस नेक्स्ट लेसन इज लेसन नाइन मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर वेर वॉज मलयालम स्पीकिंग स्टार्टेड मलयालम स्पीकिंग सबसे पहले कहाँ हुई थी इन द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम इन द प्रेजेंट डे केरबल नाइन सी ई नाइन सी का मतलब बहुत पहले की बात है तो नाइन्थ सेंचुरी में ही चेरा किंगडम वालों ने मलयालम स्पीकिंग स्टार्ट कर दी थी दिस इज़ ऑल्सो द अर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ रीजनल लैंग्वेज एज ऑफिशियल रिकॉर्ड और चेरा जो डायनेस्टी है यहाँ के जो राइटर्स थे उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स लिखना स्टार्ट किया था या फिर जो बुक्स वगैरह जो उन्होंने मैनस्क्रिप्ट लिखे होंगे वो उन्होंने मलयालम लैंग्वेज में

पुरी में भगवान, भगवान विष्णु का एक और स्वरूप का उद्भव हुआ जगन्नाथ बोला गया जिनका टेम्पल डेडिकेटेड टू पुरुषोत्तम जगन्नाथ है, तो है पुरी। तो किसने, किसने बनाया था का जो जगन्नाथ टेम्पल है वो बनाया था राजा अनंत वर्मन ने जो गंगा डायनेस्टिक और वो हुआ था ट्वेल्थ ओरिजिनली जो थक थक वर्क औरिजनली कास्ट ऑफ स्टोरी इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में कुछ होती थी, थी जिनका काम पहले के लोगों के पास इतना टी या फिर इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था तो पास देर टाइम तो लोग जो है एक दूसरे से कथा सुन के भी बहुत खुश हो जाते थे तो मंदिरों में जाते थे तो एक ग्रुप था एक कम्युनिटी थी जो केवल कथा सुनाया करते थे और उनका कथा सुनाने का स्टाइल इतना मीठा और इतना जो अट्रैक्टिंग होता था कि एवरीडे पीपल यूज्ड टू तो विजिट देम तो शाम शाम को बैठ जाते थे, थे उनके चारों तरफ कथा सुनने के लिए और धीरे धीरे दे परफॉर्म विथ गैश्चर एंड सॉन्ग जब आपको कोई ज्यादा सुनने लगता है तो फिर क्या आप करते हो आप जो है अपने कथा को अपने परफॉर्मेंस को और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हो तो इन इसी आ, क्रम में इसी प्रोसेस में व्हाट हैपेंड उन लोगों ने अपने जो है अपने हाथ के गेस्चर्स भी जो है स्टार्ट कर दिए मतलब बॉडी के मूवमेंट्स भी स्टार्ट कर दिए थोड़ा सा ना जैसे कथा सुनाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लाने के लिए लोगों को बताने के लिए तो और फिर उसके बाद उनने सॉन्ग्स भी उसमें उसमें इनपुट करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे जो है वो कथा जो है डांस फॉर्म में चेंज हो गई वो कब हुआ था फिफ्टीन से सिक्सटीन सेंचुरी में विद द स्प्रेड ऑफ भक्ति मोमेंट द राधा कृष्णा फोक प्लेस कॉल्ड रास लीला वर इरेक्टेड बाय द आर्टिस्ट और इन कथाओं में अब जो है राधा और कृष्ण भगवान की जो स्टोरीज हैं उन स्टोरी को इनेक्ट करके डांस को परफॉर्म किया जाने लगा और उन्हीं कथा से कथक डांस बना हाँ मैंने कथक घराना जार दिया कथक के भी घराने होते हैं मतलब कौन कौन से फॉर्म्स हैं कथक के टू हैं एक होता है राजस्थान में था और अनदर इन द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह अवध अयोध्या अवध मतलब लखनऊ लखनऊ के जो नवाब थे उनका नाम वाजिद अली शाह था तो एक घराना को उन्होंने पेट्रोनेज दिया अंडर हिम कत्थक ग्रू इन एन आर्ट फॉर्म ऑल्सो विच आर द सिक्स क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांस इन इंडिया इंडिया में छह डांसों को क्लासिकल डांस की संख्या दी गई है कौन कौन से डांसे देखते हैं कथक है जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है कथक कली केरला का है उड़ीसी उड़ीसी उड़ीसा का है कूचीपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मनीपुरी मनीपुर का है सो दीज आर दिक्स क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ आ कंट्री बीग रिकॉगनाइज बाई गवमेंट ऑफ इंडिया वट यू मीन बाई मिनी एचर पेंटिंग मिनी एचर पेंटिंग क्या होती है इट इज़ अ स्मॉल साइज पेंटिंग डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर या तो क्लॉथ पे या फिर पेपर के ऊपर इसको किया जाता है उसको स्मॉल मिनीचर पेंटिंग बोलते हैं और जो बहुत पहले के मिनीचर पेंटिंग्स थे जिस समय कपड़ा कपड़ा तो बन गया था बट उस समय पेपर नहीं बना था तो उस समय के लोग उसको पाम लिवस में या फिर वुड के ऊपर आर्ट बनाया करते थे सोचिए जब उस समय उन लोग रिसोर्सेज नहीं थे तब उन्होंने इतने सुंदर ड्राइंग बनाए और आज के जैसे अगर रिसोर्सेज होते तो वो लोग तो क्या कर देते ना तारे जमीन पे लेके आ जाते विच मुगल रूलर पेट्रोनाइज मिनीचर मिनीचर कला का संरक्षण यानी उसको बढ़ावा देने में किस किस का योगदान है अकबर जहांगीर और शाहजहां का Which other regions of medieval India attracted miniature painting? और कौन कौन सी जगह में हुए थे मीनिएचर पेंटिंग का हिमालयन फुटहिल्स ऑफ प्रेजेंट ए हिमाचल वट इज बशोली बशोली इट इज अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मीनिएचर पेंटिंग सेवनटीन सेंचुरी में इसका प्रादुर्भाव बोलेंगे इंट्रोडक्शन हुआ था तो बाशोली पेंटिंग क्या होती है इसके जो कलर होते हैं बहुत बोल्ड होते हैं वट वॉज द थीम ऑफ़ पेंटिंग्स इन हिल हमने अब तक मुगल पीरियड का पढ़ा था अब जो हिल्स में पहाड़ों की जो पेंटिंग होती थी उनका क्या थीम था भानु वर्क रासमंजरी भानुदत्ता ने एक बुक लिखी थी रासमंजरी तो उसके जो स्टोरीज़ हैं उसके जो पात्र हैं वो पहाड़ी पेंटिंग के थीम या टॉपिक हुआ करते थे हु फाउंडेड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है तो कौन थे वो लोग जो पेंटर्स थे द माइग्रेटेड पेंटर्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेन एरियाज टू द हिल जब दिल्ली में नादिर शाह का अटैक हुआ या फिर बाकी जो अफगान रूलर्स का अटैक हुआ तो उसके बाद ये सारे पेंटर बेचारे वहाँ से भाग भाग के जो है इन्होंने पहाड़ों में शरण ली तो पहाड़ों में जितने भी राजा थे उन लोगों के संरक्षण में इन लोगों ने वहाँ पर अपनी पेंटिंग शुरू की और उस घराने को उन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बोला वट इज द थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग की क्या थीम थी वेस्ट वाइड ट्रेडिशन विथ सॉफ्ट कूल ब्लूज एंड ग्रीन कलर यूज करते थे वट आर द टू डिविजन्स ऑफ बेंगोली लिटरेचर फर्स्ट तो है ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स द मंगल आर डीलिंग विथ लोकल डिटीज एंड बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देवा ये जो चैतन्य प्रभु हैं उनके बायोग्राफी और दूसरा जो है लोकल डीटीज की जो कहानियाँ होती थी उनको जो है बोला जाता था तो वो एक डिवीजन है बंगाली लिटरेचर का सेकंड है नाथ लिटरेचर बोलते हैं अब इसमें क्या है ये लोग सॉन्ग ऑफ़ माना मती एंड गोपी चंद्रा स्टोरीज ऑफ़ फेरी टेल्स और बैलेट्स ये सब चीज़ें इनके लिटरेचर में इंक्लूडेड थी वर नाथ नाथ कौन थे द नाथ वर द एसेटिक्स हु इंगेज इन अ वेरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस जो बहुत प्रकार के कर्म कांड का भी उनको बोल सकते हैं आप जैसे ना जादू टोना इस समय इस टाइप के जो चीज़ें करते थे वो योगीज या फिर नाथ बोले जाते थे वट इज दोचाला एंड चौचाला स्ट्रक्चर इन बेंगाल दोचाला इज अ डबल रूफ टेम्पल एंड चौचाला इज अ फोर रूफ स्ट्रक्चर ऑफ द थेस्ट हर्ट विस डिस्ट्रिक्ट हैज़ गेंद इन गेंद हाइट इन मेकिंग चौचाला टेम्पल चौचाला का मतलब हुआ चार रूफ वाले टेम्पल बनाने में कौन से एरिया को महारत हासिल थी वो था विष्णुपुर इन द बाकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बेंगाल विच टेक्सड अलाउड द ब्राह्मण टू ईट फिश इन बंगाल बंगाल में फिश इतना पॉपुलर है कि वहाँ के ब्राह्मणों का भी दिल मचल गया उस फिश को खाने के लिए बट ब्राह्मण लोगों को नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है तो उसके बाद एक कोई ग्रंथ आया था उसका नाम था वृद्धा धर्मापूर्णा पुराना थर्टीन सेंचुरी में उसमें जो है कुछ कंडीशन में कुछ स्पेशल जो वैरायटी है फिश की उनका खाना ब्राह्मण के लिए अलाउड कर दिया था उसके बाद फिर जो है ब्राह्मण भी खाने शुरू हो गए थे नेक्स्ट लेसन लेसन लेटीन सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन ये मेडिवल पीरियड का लास्ट ईयर होगा इसके बाद वी विल टॉक अबाउट यू नो ब्रिटिश रूल एंड दैट विल बिकम द मॉडर्न हिस्ट्री फॉर आस क्वेश्चन नंबर वन वेंड औरंगजेब डाय औरंगजेब मुग़ल डायनेस्टी के लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रूलर थे उसके बाद जो है मुग़ल डायनेस्टी चली बट दे वर नॉट सो पावरफुल एज देयर अर्लीस्ट यू नो प्रेडिस एंड द लेटर जो मुग़ल रूलर्स थे वो बहुत वीक थे और जो है उन्होंने उनके फोर फादर्स ने जितना पैसा कमाया जितना ऐशो आराम उनको बना के दिया वो सब उन्होंने एक एक करके लुटा दिया तो औरंगजेब की जो डेथ हुई थी वो 1707 में हुई थी उसके बाद मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया था वेड डिट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इट टुक प्लेस इन 1761। हंड्रेड सिक्सटी वन वन डिट नादिर शाहड दिल्ली जब तक मुगल रूलर स्ट्रांग थे तो किसी भी विदेशी रूलर की हिम्मत नहीं हुई थी दिल्ली के ऊपर आँख उठाने की बट औरंगजेब की डेथ के बाद विदेशी लोग इंडिया के अंदर आने लग गए एंड दे स्टार्टेड यू नो वट आ, इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है इंडिया को पलेंडर करना है यहाँ से वेल्थ लूट के ले जाना तो जो पहला अटैकर आया था वो नादिर शाह था 1739 में उसने दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा लूट पाट मचाई नॉट ओनली ही लूटेड दिल्ली उन्होंने दिल्ली के अंदर जो है उसने बहुत मारकाटी मचाई थी और सुना है इतने ज़्यादा मतलब डेड बॉडीज़ हो गए थे कि करीबन एक या दो महीने तक दिल्ली के ऊपर चील ही चील उड़ रहे थे वेनडेड अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 1748 हंड्रेड एट टू 1761 हंड्रेड सिक्सटी वन फाइव टाइम्स जो है इतने सालों में वो पांच बार इंडिया के अंदर आया इंडिया को आया उनको हराया इंडिया को लूटा फिर वापस गया फिर एक दो साल बाद फिर उसको लगा कि इंडिया फिर दोबारा से रिच हो गई वेल्दी हो गई देन ही अगेन कम केम टू इंडिया ही प्लंडर्ड इंडिया एंड ही लूटेड इंडिया एंड देन ही रिटर्न बैक नेक्स्ट है विच टू मुग़ल रूलर्स असैसिनेटेड बाय द नोबल्स अब जो है मुग़ल रूलर बेचारे इतने वीक हो चुके हैं कि उनके जो नोबल्स हैं उनके राज में जो मंत्री हैं वो ही उनको कत्ल कर दे रहे हैं तो बेचारे कौन थे जो दो मुग़ल रूलर कत्ल कर दिए गए थे उनके नोबल्स के द्वारा एक था फर्रुख सिहा सियार सेवनटीन से सेवनटीन तक जिसने रूल किया था उसके बाद था आलमगीर टू विच रूलर्स वर ब्लाइंड बाई द तो नोबल्स अब नॉबल्स की इतनी गुस्ताखी बढ़ रही है कि वो अपने सम्राट या फिर अपने जो सुल्तान के कभी तो उनको कत्ल कर दे रहे हैं कभी उनको ब्लाइंड कर दे रहे हैं तो जो ब्लाइंड हुए थे वो थे अहमद शाह और दूसरा था शाह आलम टू वट यू मीन बाय वतन जागीर वतन जागीर क्या होते हैं ऐसे स्टेट होते हैं जिनको कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस मिल रखी थी अंडर मुगल्स कहने का मतलब वैसे तो ये मुग़ल टेरिटरी के अंडर में ही आते थे उनके अधीन में ही आते थे बट कुछ कंडीशन में इनको इंडिपेंडेंटली रूल करने के लिए छूट दे रखी थी इनके रूलर्स को हु वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट हैदराबाद स्टेट पहले मुगल स्टेट का ही मुग़ल एम्पायर मुग़ल डायनेस्टी का ही हिस्सा था बट वहाँ का जो मनसबदार है वहाँ का जो गवर्नर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि उसने हैदराबाद के अंदर अपना अलग से स्टेट स्थापित कर लिया तो वो कौन था निज़ाम उल मुल्क आसफ जहा ही वॉज द मोस्ट पावरफुल मेम्बर ऑफ एट द कोर्ट ऑफ मुग़ल एम्प्रायर फरुख सियार के कोर्ट uh, में वो बहुत पावरफुल मेम्बर था हो आर आयाकास देर द तेलुगू वॉरियर सॉरी इट्स नॉट आयाक इज नायज देर द तेलुगू वॉरियर चीफ्स ऑफ द प्लेटियो तेलुगु वॉरियर चीफ्स को नायक बोला जाता है हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ़ अवध जैसे हैदराबाद का फाउंडेशन हुआ सिमिलरली अवध का फाउंडेशन किया था बुरहान उलमुलल्क ने सेवेंटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू में वो भी जो है मुग़ल गवर्नमेंट मुगल डाइनेसटी के अंदर एक गवर्नर हुआ करता था Who were इन अवद? अवद में कौन थे देवन्यू फार्मर्स कलेक्टेड देंगॉल स्टेट मुर्शीद कुली खान हु वॉज जगत सेठ हीस्ट्रीमली प्रॉस्प्रस बैंकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलीवर खान इन बेंगाल से लेके फिफ्टी सिक्स तक जो है वो जैसे अगर हम अभी बोल सकते हैं इंडिया का सबसे स्ट्रांग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो सिमिलरली वो उस समय का सबसे स्ट्रांग बैंक यानी बंगाल का बंगाल का स्ट्रॉन्ग बैंक महाजन साहूकार बैंकर कुछ भी बोल लो पैसे वाला बंदा था वो फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर जयपुर की जो स्थापना हुई थी वो सवाई राजा जय सिंह ने की थी सेवनटीन में तो जय सिंह के नाम पर ही सिटी का नाम जयपुर पड़ा हुआ है हु कोइंस इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर जो थे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी के नाम पर कॉन्स स्टार्ट किए वट आर जत्थाज क्या है दिस वॉज द ऑर्गेनाइजेशनल बैंड ऑफ सिख सिख लोगों का जो ग्रुप है उसको जत्था बोला जाता है वट इज दल खालसा ग्रैंड आर्मी और द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ सिख सिख लोगों की आर्मी को दल खालसा बोला जाता है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राखी राखी का जो सिस्टम है वो भी सिख लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था हु गिव द स्लोगन राज करेगा खालसा गुरु गोविंद सिंह जी ने यह स्लोगन दिया था हु यूनाइटेड वेरियस सिख रूलर सिख गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद सारे सिख रूलर अलग अलग डिवाइड हो गए थे उन्होंने अपना अपना एक छोटा सा टेरेटरी पकड़ लिया था और उसी के ऊपर वो अपने आप को राजा बना के खुश थे तो उन सारे छोटे बड़े वेरियस सिख रूलर्स को री यूनाइट करने का काम किया था महाराजा रंजीत सिंह जी ने विद सिख रूलर मेड लाहौर इट्स कैपिटल महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाई थी सेवनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन में वट इज़ मैंट बाय देशमुख देशमुख क्या है वर द पावरफुल वॉरियर फैमिलीज ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र की जो है पावरफुल वॉरियर फैमिलीज थी जो वहाँ के राजा को युद्ध के टाइम पे हेल्प करती थी जैसे अभी आप देखते हैं बॉलीवुड में दे वन एक्टर रितेश देशमुख तो ही ऑल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली ओनली हु वर द कुनवीज कुछ महाराष्ट्र के एक ट्राइब थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनको लड़ाई करने में बहुत स्किल महारत हासिल थी और वो शिवाजी की सेना में पार्ट थे हु सक्सेडेड आफ्टर शिवाजी डेथ शिवाजी के मृत्यु के बाद जो है उनकी गद्दी पर कौन बैठे वो बैठे थे चितपावन पवन जो सर्व एज पेशवा बाद में जब वो राजा बने तो उन्होंने अपने आप पे, को पेशवा बोला हु मेड पूना द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मराठा मराठा की कैपिटल को पूना किसने बनाया था पेशवा जो रूलर्स थे उन्होंने वेन डिड पेशवा सीज्ड गुजरात एंड गुजरात इट इज गुजरात एंड मालवा फ्रॉम द मुगल्स 1720 में उन्होंने गुजरात और मालवा मुगलों से छीन के मराठा किंगडम में इंक्लूड कर दिया वट इज चौथ एंड सरदेश मुखी इन मराठा किंगडम ये मराठा किंगडम में ही यूज होता था ये दो वर्ड ये क्या थे एक्चुअली चौथ का मतलब होता है चौथा है ना जब हम वन फोरथ टैक्स लेते हैं फार्मर से तो उसको हम चौथ बोलते हैं और जब हम फार्मर से वन टेंथ टैक्स लेते हैं तो दैट इज दस मुखी यानी सरदेश मुखी हु वर सरदार्स मराठा चीफ को सरदार बोला जाता था देखो अलग अलग जगह पे कौन कौन से फैमिलीज रूल कर रहे थे सिंधिया फैमिली ग्वालियर में यूज़ कर रही थी जैसे अभी कौन से सिंधिया हैं जो अभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ये जॉइंट उसके बाद गायकवाड़ है वो बड़ौदा में रूल करते थे भोसले नागपुर में रूल करते थे और होलकर इंदौर में तो ये जो मराठा चीफ हैं ये अलग अलग जगह पर रूल किया करते थे द जाट्स यूनाइटेड अंडर जाट लोगों ने अपने आप को किसके अंडर में यूनाइटेड किया एक किया वो थे चूडामन सेवनटीन एटीन सेंचुरी में विच वर द प्रोस्पीरियस सिटीज ऑफ जाट लोगों ने कौन कौन सी सिटीज के ऊपर अपना रूल किया था वो थे पानीपत एंड बल्लभगढ़ दोनों के दोनों अभी करंट हरियाणा में है प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज व एजुकेशन सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर योर करियर एंड फॉर योर जॉब्स और इसके कंटिन्यूशन के लिए बाकी जो फर्दर वीडियोज हैं उनको देखते रहिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब वाव एजुकेशन